हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते नमस्ते अभिषेक। क्या आप जानते हैं कि अगली अमावस्या है 17 सितंबर को। अमावस्या महीने का डार्केस्ट डे होता है और उस दिन एविल फोर्सेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब अपने मैक्सिमम पावर पर होती हैं। उस दिन अगर तालियां बजाई जाएं, शंख के वाइब्रेशंस निकाले जाएं, तो वायरस फैलने की ताकत और गति दोनों कम की जा सकती है। अगर सब साथ में मिलकर ऐसा करेंगे तो जो वाइब्रेशन निकलेगा उससे ब्लड सर्कुलेशन भी और बेहतर होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये ओपिनियन थी अमिताभ बच्चन की, जिसे उन्होंने मार्च में अपने ट्वीट नंबर 3479 में शेयर किया था और बाद में न जाने क्यों डिलीट कर दिया। शायद ट्रोलिंग ज्यादा हो गई या लोग कहने लगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, अनसाइंस की बात कर रहे हैं, साइंस की एज में एटसेट्रा एटसेट्रा, इसलिए शायद उन्होंने डिलीट कर दिया होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है कि लोग थाली पीट कर कोरोना वायरस को भगा देते हैं, तो आप गलत हैं। यूरोप में लोगों ने 5G टावर्स पर अपना गुस्सा निकाला। एक्चुअली थॉमस कोवेन, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने मार्च में कहा था कि 5G की वजह से ये वायरस फैल रहा है और अफ्रीका में 5G नहीं है, इसलिए वहां पर ये फैल नहीं रहा है। इसके बाद यूके और आयरलैंड जैसी जगहों से ये खबरें आईं कि लोग 5G टावर्स वेंडलाइज कर रहे हैं। और तो और, बेचारे टेलीकॉम इंजीनियर्स जो टावर्स के रखरखाव का काम करते हैं, उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। अब पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि इसमें लोगों की भी 100% गलती नहीं है। एक्चुअली ये है नोवेल कोरोना वायरस, ये नया वायरस है, तो कंटिन्यूस रिसर्च के जरिए पता चलता है कि ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च ऑफ कोर्स अपडेट होते रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले ये कहा जा रहा था कि ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है, हवा से नहीं फैलता, लेकिन बाद में पता चला कि एयरबॉर्न भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में। बीच में पता ये भी चला था कि N95 मास्क, जिनमें फिल्टर हैं, उन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। पहले हर तरह के मास्क यूज आप कर सकते थे। तो बेसिकली ये नया वायरस हमारे पल्ले पड़ा है और विद टाइम एंड रिसर्च हम इसे बेहतर तरीके से और ज्यादा समझ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में वो अमावस्या और 5G टावर वाली ही ऐसी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन अभिषेक हमको बताने वाले हैं। तो अभिषेक, ओवर टू यू। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, लाइक 5G टावर, ये तो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कई तरह की इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। आपको जैसे पता है, एक बेलारूस एक कंट्री है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो जब ये वायरस फैलना चालू हुआ था तो वो पब्लिक के सामने आए और उन्होंने सबसे एक इजी तरीका बताया था कि कोविड से आप कैसे लड़ सकते हैं, वो था वोडका। आप वोडका पीजिए, आपको कोविड नहीं होगा। और वहाँ के प्रेसिडेंट वोडका साहब ने फायदे वोडका बनाने वाली कंपनीज के लिए भी फायदे वाली बात है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने बहुत वोडका पिया और पता पड़ा कि कुछ दिनों बाद वो खुद ही पॉजिटिव हो गए। तो ओ, ये तो अच्छा हुआ वोडका पीने से जो दूसरी बीमारियां हैं वो ना हुई। हाँ, वो नहीं हुई है। और अभी तो उनके खिलाफ तो अलग ही, बेलारूस में तो अलग ही केस चल रहा है, वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो आज इस तरह की कुछ जो मिथ है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है कोविड के बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन कोविड के बारे में और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5G नेटवर्क के थ्रू कोविड फैल रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन का सही है तो अभी आज की तारीख में क्या 5G टेक्नोलॉजी क्या वो 34 कंट्रीज के पास में है। तो अगर ऐसा होता कि 5G से फैलता तो ये 215 नेशंस में कोरोना वायरस नहीं फैल सकता था। दूसरी जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि आजकल आप कभी भी कुछ भी, आपको एक बीमारी है, अगर आप हॉस्पिटल से जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आपको CT स्कैन या एक्सरे करते हैं ये पता करने के लिए आपको कोविड है ही नहीं है। पर ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है कि आप एक्सरे या CT स्कैन से अभी पता नहीं कर सकते कि आपको कोविड है कि नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन है या कुछ लंग्स में इंजरी हुई है तो उसकी एक्सरे और CT स्कैन की रिपोर्ट वैसे ही आएगी जैसे कोविड के केस में आ सकती है।
तो सिंपल कोविड फाइंड करने का जो टेस्ट है वो एक है पीसीआर टेस्ट, दूसरा कोविड जैसे आपने कहा था कि कोविड एयरबॉर्न हो सकता है, एयरबॉर्न तब हो सकता है कि जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स कुछ समय के लिए हवा में रह सकते हैं। अगर आपने फेस मास्क पहना हुआ है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ये ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकती कि जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ और मेरे आसपास हवा में ये कोविड के वायरस हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपने कई जगह देखा होगा, कई ऑफिसेस के बाहर देखा होगा, कई मॉल्स के या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर देखा होगा एक सैनिटाइजर चैम्बर बनाया जाता है, लोगों को बोला जाता है सैनिटाइज चैम्बर में से आप निकलिए और आप पे सैनिटाइज स्प्रे किया जाता है ताकि अगर अगर आपके अगर आप कोविड का वायरस कैरी कर रहे हैं तो वो मर जाएगा। पर ये टनल भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, अगर आप टनल से पास भी होते तो ये गारंटी नहीं है कि जो अगर वायरस है और अगर और जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको बोला जाता है कि हर समय आप फेस मास्क पहन के रखिए, बट कुछ कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आपको फेस मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आप अगर रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको फेस मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दूसरे पर्सन से एटलीस्ट 6 फीट के डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखिए। अगर आप कार में अकेले जा रहे हैं और आप कार पूरी क्लोज है तो भी आपको फेस मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस रूम में बैठे हुए हैं, आपके अगर ऑफिस का अगर एक चैम्बर है जहाँ पे आपके आप अकेले बैठे हुए हैं तो भी आपको फेस मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा लोग बाग एक्सक्यूज़ देते हैं जो फेस मास्क नहीं पहनना चाहते कि हम अगर फेस मास्क पहनेंगे तो जो CO2 हम छोड़ रहे हैं वो वापस इनहेल कर सकते हैं, पर जबकि जो कि CO2 और जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जो आपका अगर जो फेस मास्क है N95 है या कोई भी फेस मास्क रहे वो उनके थ्रू पास हो सकते हैं। तो ये नहीं कि आपने अगर फेस मास्क पहना है तो आप जो CO2 इनहेल कर रहे हो वापस आप ले लेंगे। आजकल आप अगर किसी मेडिकल शॉप पे जाए तो उसके काउंटर पे कई तरह की एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन रखी रहती है, या आपको कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई तरह के मैसेजेस आते हैं कि आप नीम लीजिए, ये खाइए, वो खाइए, जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। पर अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप ये खाने से आपको कोविड नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है इंडिया में जो मेडिसिन सेल करती है ऑनलाइन, उनका मुझे रिसेंटली फ़ोन आया था और वो भी मुझे इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर कुछ कुछ टिकाना चाह रहे थे। राइट, और एक ही फैक्ट साइंटिफिक एविडेंस है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर की रातों रात आपकी डेवलप नहीं होती है कि आपको किसी कंपनी ने इम्यूनिटी बूस्टर अगर सेल किया कि आप ये खाइए और आपको कल से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपको कोविड नहीं होगा। तो इम्यूनिटी बूस्ट ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है कि आप वो खाने से 10 दिन 15 दिन में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल में पूरा चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर है, आपका एक तो सबसे पहले वेट नॉर्मल होना चाहिए, जो आइडियल वेट आपको होना चाहिए वो होना चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होना चाहिए, और आप अगर फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करते हैं, कम से कम दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो जाके एक सर्टेन टाइम बाद आपकी बॉडी की अपने आप इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी। दूसरा ये आपकी स्क्रीन पे कई तरह के मेडिसिन के नाम आपको दिख रहे होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिन हुआ, एस्पिरिन हुआ, जिंक हुआ, कोई बोलता है विटामिन सी खाइए, कोई बोले ये खाइए ताकि आपको कोविड नहीं हो, बट इन अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये मेडिसिन खाने से आपको कोविड नहीं होगा, या अगर आपको हो गया है तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि एक चीज़ है कि एक बार आपको सपोज कि कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है। रिसेंटली अभी एक हांगकांग में केस आया है, एक बंदा था जिसको मार्च में इन्फेक्शन हुआ था, उसको आफ्टर 142 डेज के बाद वापस कोविड इन्फेक्शन हो गया है। तो ये भी गारंटी नहीं है कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो आगे जाकर इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। इससे एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन की बात कर रही है कि कुछ वैक्सीन टेस्ट हुई है जो भी फर्स्ट ट्रायल में या सेकेंड ट्रायल में सक्सेसफुल हो गई है और उसमें आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, तो अभी ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है या तो वैक्सीन के थ्रू या अगर आपको कोविड हो गया है उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है वो कितने टाइम तक रहने वाली है।
आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो उस पर अभी रिसर्च चल रही है कि कितने टाइम तक वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में रहेगी और इफेक्टिव रहेगी। एक केस शायद यूएस का भी आज ही आया है, वो आज ही मैं न्यूज में देख रहा था, यूएस में भी एक ऐसा केस आया है जहां पर किसी को री इन्फेक्शन हुआ है COVID-19 का। राइट, तो वही है कि एक बार पर ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, बट ये गारंटी नहीं है कि आगे जाके ये एंटीबॉडीज आपके पूरे लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में रहेगी और आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी कितने ड्यूरेशन के लिए रह सकती है ये तो आगे जाके तो इस पर रिसर्च होगी, स्टडी होगी, उसके बाद ही पता पड़ेगा। तो ये सब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कोविड जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो ये तो थी सारी मिस इन्फॉर्मेशन, और इससे पहले कि हम ये वीडियो खत्म करें, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3.5 हफ्तों से दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस इंडिया में ही आ रहे हैं। स्पेसिफिकली पिछले 3 दिन की बात करूं तो रोज 75,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, रोज 1,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, और टोटल एक्टिव केसेस में हम ब्राजील को पीछे छोड़कर नंबर 2 पर आ चुके हैं। नंबर 1 पर है यूएसए, और पिछले 3 दिनों में हमारे यहां यूएसए से लगभग 30,000 ज्यादा नए केस रोज आ रहे हैं। उनके यहां 45,000 नए केस आए तो हमारे यहां 75,000 नए केस आए, ऐसा पिछले 3 दिनों में हो रहा है। 2020 में आपने इस वायरस को लेकर जितनी भी सावधानी बरती है, अब उस सावधानी को सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने का टाइम आ चुका है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।